नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो और सिंगल हो, खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 24 से लेकर 30 तारीख तक की। ये आप पर डिपेंड करता है आप खुद को किस तरीके के सिंगल मानते हो। पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, या फिर आप कभी भी कोई भी रिश्ते में नहीं थे तो भी आप सिंगल हुए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है 24 से लेके 30 तारीख तक की अप्रैल मंथ की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। ये जो 24 से लेके 30 तारीख तक की जो एनर्जी है इसमें आप हर चीज को अपने तरीके से करने के बारे में सोचोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, उसको आप ऑर्गेनाइज करोगे। सेकंडली आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट में आपका ध्यान होगा। एंड थर्ड वन इज आप किसी के साथ अपने लाइफ को, प्यार को मैनिफेस्ट करोगे। आपको लगेगा शायद आपको आपका सोलमेट मिल जाए, ट्विन फ्लेम मिल जाए, जो रिश्ता जन्मों का रिश्ता है वो रिश्ता आपको मिल जाए। इस तरीके का सोच आपको रहेगा। या तो आप किसी के साथ मिल सकते हो जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, जैसे कि कुंडली मिला के लोग आते हैं, वैसा कोई रिश्ता आपको मिल सकता है इन दिनों, अगर आप उसी रिश्ते का इंतजार है। या अगर आपके पास ऐसा कोई रिश्ता पहले था तो वही रिश्ता वापस आपके पास भी आ सकता है, ये तो आगे आगे देखा जाएगा। लेकिन आपकी एनर्जी इस तरीके का रहेगा कि आपको अपनी सोलमेट मिल जाए जिनके साथ आपका जन्मों का रिश्ता है। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया, चाहे आप रिश्ते में हो, रिश्ते के लिए हो, जॉब हो, बिजनेस हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए हो, आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया, अंत तक मेहनत किया, आपने कोशिश नहीं छोड़ी, आप पूरे मेहनत के साथ, पूरे शिद्दत के साथ अपने मेहनत को आपने बरकरार रखा और आपने गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अगर आप किसी रिश्ते में थे तो रिश्ते में, जो बिजनेस, अपनी स्टेबिलिटी को पाना, प्यार में, हर क्षेत्र में आपने मेहनत करने के बारे में सोचा और आपने किया भी। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लेते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है किसी रिश्ते को सही करने के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया अपने तरीके से, लेकिन आपको उस रिश्ते से कुछ नहीं मिला, या तो धोखा मिला, या तो आपका मन चाहा कुछ नहीं मिला जिस तरीके से आप सोच रहे थे कि रिश्ता अच्छा होगा, सही होगा। तभी आप प्रेजेंट में जो है कि आप टू ऑफ कप्स की एनर्जी में है वो रहोगे इन दिनों, कि आपको कोई सोलमेट वगैरह मिल जाए, साथ ही साथ आप अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम करोगे। तो प्रेजेंट में आप थोड़ा
थोड़ा दुखी हो, मुझे लगता है रिश्ते की वजह से, जिस रिश्ते को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर चाह रहे थे, वहां से आपको कोई दुखी दुख उठाना पड़ा, या फिर आपको कोई नेगेटिव जो नेगेटिव स्थिति है वो आपको मिला है। आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, या फिर कहीं से, खास करके मुझे रिश्तों के बू आ रही है। फिर भी अगर आप कुछ भी हुआ है आपके लाइफ में प्रेजेंट में, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, अपसेट हो, परेशान हो, जिसके लिए आप तैयार भी नहीं थे। देख लेते हैं क्या इन दिनों पास्ट से आपके लाइफ में कोई आ सकता है। अगर आप पास्ट से किसी बंदा या बंदी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पास्ट से क्या आपके लाइफ में कोई आ सकता है। देख लेते हैं कि पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में क्या कोई आ सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, पास्ट से कोई आपके लाइफ में वही आएगा जिनके साथ आपका दोस्ती का रिश्ता ज्यादा था। प्यार का उतना ना भी हुआ चलेगा, लेकिन अगर दोस्ती का रिश्ता था तो वो दोबारा से आपके लाइफ में दोस्ती के हाथ बढ़ाने आ सकते हैं, या फिर अगर आप कोशिश कर रहे हो खुद, तो वो आपके लाइफ में आने की चांसेस है। कोई दोस्त बन के, पास्ट की कोई दोस्त बन के आपके लाइफ में, जो हो सकता है आप प्यार महसूस करते थे उनके लिए, या फिर वो भी करता होगा, लेकिन अभी वो आपके लाइफ में दोस्त बन के आ सकता है, जिनके साथ आपकी नई रिश्ते में नई शुरुआत होने की चांसेस है। अभी हम देखेंगे क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नो, इट्स अ बिग नो। नहीं, नया कोई आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। कार्ड की पहले ही जब मैं ओवरऑल एनर्जी देख रही थी, तभी मुझे पता चला कि आप किसी पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको किसी ट्विन फ्लेम को चाहिए, सोलमेट वाला कोई रिश्ता चाहिए, जो रिश्ता पहले से बना हुआ है, मेड इन हेवन वाला कोई रिश्ता जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हो सकता है आपके जो पुराने पर्सन आ रहा है उसके साथ ही आपका सोल कनेक्शन हो, लेकिन वो बंदा आपके लाइफ में नए तरीके से आ रहा है, दोस्त बन के आ सकता है। अगर आप नए किसी को सोच रहे हो, पुराने बंदे आ रहे हैं लेकिन नए किसी को सोच रहे हो, तो फिलहाल के लिए नहीं है, नया कोई नहीं आ रहा है आपके लाइफ में। देख लेते हैं सिंगल के जो भी एक्वेरियस रीडिंग देख रहा है उनके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। एक्यूरियस के जो भी सिंगल्स लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, एंजल की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। कॉम्प्रोमाइज, अगर आप रोमांस भी करते हो, अगर आप रिश्ते भी निभाते हो, काम भी करते हो, हर चीज में आपको थोड़ी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप रोमांस करते हो, रोमांस में भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आपकी सोच है, हो सकता है उस बंदा या बंदी की उस तरीके का सोच नहीं है, वो दूसरे अंदाज से सोचता है, हो सकता है जो वो सोच रहा है वो आप नहीं सोच रहे हो। तो आपको हर क्षेत्र में, काम कर रहे हो, रिश्ते चला रहे हो, घर चला रहे हो, हर क्षेत्र में आपको थोड़ी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बैलेंस जिसे कहता है। अगर आप चीजों को बैलेंस रखना चाहते हो, सही रखना चाहते हो, संतुलित रखना चाहते हो, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।